नमस्ते, द लल्लनटॉप के खास पेशकश क्रिकेट की बमचक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपिन। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना का सीधा असर खेल जगत पर भी पड़ा है। भारतीय क्रिकेट को भी इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज को कोरोना के खतरे की वजह से रद्द कर दिया गया है, जबकि 29 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग को भी लगभग 16 दिनों के लिए टाल दिया गया है। क्रिकेट के रुकने के बाद भारतीय क्रिकेटर सामने आकर लोगों को कोरोना से बचने के सुझाव दे रहे हैं। पहले कप्तान विराट कोहली ने कोरोना पर लोगों से सेफ रहने की अपील की थी। अब टीम इंडिया के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा ने भी सोशल कॉज के तहत अपने फैन से ऐसी ही अपील की है। रोहित ने सोशल मीडिया पर ट्विटर का सहारा लेते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने फैन से कहा कि सभी लोग सुरक्षित रहें। रोहित ने इस वीडियो में क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। हेलो एवरीवन, रोहित शर्मा हियर। I just wanted to talk about few things. Last few weeks have been tough times for all of us, and the world has come to standstill, which is very, very sad to see. And the only way we can get back to normal is by all of us coming together. And how we can do that is by being a little smart, little proactive, knowing our surroundings, and as and when you get any symptoms, informing your nearest medical authorities. Because we all want the kids to go to the school, we all want to go to the malls, we all want to watch movies in the theaters, and I appreciate the effort of the doctors and the nurses around the world who have put their life at risk while taking care of the people who have tested positive. Last but not the least, my heart goes out to the people who have lost their life and their families. Take care and be safe. चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल चुका है। 15 मार्च तक भारत में अब तक इस वायरस के 110 एक्टिव केस हैं। 13 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस को लेकर लोग सतर्कता बरत रहे हैं, सरकार भी इससे बचाव के कई उपाय कर रही है। रोहित शर्मा शॉर्टर फॉर्मेट में टीम इंडिया के उपकप्तान हैं, जबकि आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी करते हैं। रोहित को साउथ अफ्रीका सीरीज से आराम दिया गया था, उनकी जगह विराट कोहली ही टीम की कप्तानी कर रहे थे, क्योंकि इस सीरीज में विराट कोहली खेले और रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया। रोहित को इसके बाद आईपीएल में 29 मार्च से खेलने के लिए उतरना था। उनका पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 29 मार्च को ही था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते आईपीएल को टाल दिया गया। और अभी आईपीएल का शेड्यूल क्या होगा, इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। कोरोना के खतरे की वजह से होम सीरीज को रद्द कर दिया गया। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में फिर कब से क्रिकेट पूरी तरह से शुरू हो पाएगा और एक बार फिर से सभी फैंस को क्रिकेट का रोमांच भी देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। और हाँ, आपने अब तक हमारा Android ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो Google Play Store में जाइए, द लल्लनटॉप का Android ऐप डाउनलोड कीजिए। और साथ ही क्रिकेट, IPL और टीम इंडिया से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए द लल्लनटॉप के साथ, क्योंकि हमारी खास सीरीज क्रिकेट की बमचक लगातार जारी है, जिस पर आपको क्रिकेट जगत की तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स मिलते हैं। साथ ही रिकॉर्ड्स, फैक्ट्स और तमाम किस्से भी यहां पर आपको जानने के लिए दिए जाते हैं। कैमरा पर्सन राशिद के साथ मैं हूं विपिन। शुक्रिया।